नमस्कार, वेलकम टू फिल्मी शंकर चैनल। आज पेश कर रहे बॉलीवुड की अभिनेत्री काजोल की फिल्मी बायोग्राफी, जानते हैं। अभिनेत्री काजोल फिल्मी जगत से बहुत समय से जुड़ी हुई है। काजोल का जन्म मुंबई में 5 अगस्त 1974 को हुआ था। काजोल के पिता शुभम मुखर्जी फिल्म बनाते और डायरेक्ट करते थे, वहीं पर इनकी माँ तनुजा मुखर्जी फिल्म अभिनेत्री रह चुकी है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल पंचगिनी से अभिनेत्री काजोल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और वह हमेशा अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करती थी। फिल्म प्रोड्यूसर राहुल रवेल ने 1992 में बेखुदी नाम की फिल्म को रिलीज किया था। यह फिल्म एक प्रेम कहानी पर आधारित थी और इस फिल्म के माध्यम से काजोल ने 16 साल की उम्र में अपना फिल्मी जगत में डेब्यू किया था। किन्हीं कारणों से यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस में सफल न रही, परंतु इस फिल्म में काजोल के किरदार को लोगों ने बखूबी पसंद किया था। इसी वजह से काजोल को सिनेमा के कई सारे ऑफर मिलने लगे थे। निर्माता अब्बास बस्तान ने बाजीगर फिल्म को 1993 में सिनेमाघरों में रिलीज किया था और इस फिल्म में काजोल भी नजर आई। इसके अतिरिक्त इस फिल्म में शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी भी थे। अभिनेत्री काजोल और अभिनेता शाहरुख खान की जोड़ी को भारतीय दर्शकों ने इस फिल्म के माध्यम से बहुत पसंद किया था। काजोल की यह पहली ऐसी फिल्म थी जो भारतीय दर्शकों द्वारा खूब पसंद की गई और ये अपने जमाने में कम समय में बहुत फेमस हो गई थी। अभिनेत्री काजोल की साल 1995 में एच चोपड़ा की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और राकेश रोशन की करण अर्जुन बैक टू बैक फिल्म इसी वर्ष रिलीज हुई थी। अभिनेत्री काजोल को इन दोनों फिल्मों में अभिनय करने का अवसर मिला और इन्होंने इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाया। यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस सुपर हुई। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में लगभग 1000 से ज्यादा बार लगा रहने का रिकॉर्ड बना रहा है। आज भी भारतीय सिनेमा जगत में इस फिल्म को बहुत ही सम्मान मिलता है। अभिनेत्री काजोल ने निरंतर रूप से कई बड़ी फिल्में की। उन्हीं बड़ी फिल्मों में से एक थी गुप्त। इस फिल्म के अंदर काजोल ने नकारात्मक किरदार निभाया था और इनके इस किरदार को फिल्मी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म निर्माता एच जौहर ने 2001 में कभी खुशी कभी गम नामक फिल्म को रिलीज किया और इस फिल्म में काजोल ने अपने अभिनय करने के बाद लगभग सिनेमा से एक लंबा अंतराल भी रखा था। इस सिनेमा से लंबे अंतराल के दौरान ही काजोल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। एक लंबे अंतराल के बाद फिल्मी जगत में काजोल ने 2006 में दोबारा से एक बेहतरीन किरदार से एंट्री। इसी साल फिल्म निर्माता कुणाल कोनी ने फना नामक फिल्म को सिनेमाघर में उतारा था और इस फिल्म में काजोल को अंधी लड़की का किरदार करने का मौका मिला। इस फिल्म में काजोल के किरदार को एक कश्मीरी आतंकवादी लड़के से प्यार हो जाता है और तभी फिल्म की कहानी और भी रोमांचक लगने लगती है। इस फिल्म में आतंकवादी लड़के का किरदार आमिर खान ने निभाया था। आमिर खान और काजोल की जोड़ी ने इस फिल्म को सुपरहिट कर दिया था। साल 2018 में अभिनेत्री काजोल और अभिनेता शाहरुख खान को एक साथ देखने का मौका फिल्मी दर्शकों को मिला। यह ऐसा समय था जब ये दोनों सुपरस्टार एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाले थे। साल 2018 में रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले में काजोल और शाहरुख खान का किरदार देखने को मिला था। 10 जनवरी 2020 को तानाजी फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म की रोचक बात यह है कि इसमें शिवाजी महाराज के मित्र और सेनापति तानाजी का किरदार अजय देवगन ने बखूबी निभाया था और इसके साथ ही इस फिल्म में तानाजी की पत्नी का रोल काजोल ने निभाया था। अभिनेत्री काजोल की शादी अभिनेता अजय देवगन से 24 फरवरी 1999 को हुई थी। जिस समय काजोल की शादी हुई थी उस समय वह बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस में शुमार थी। फिल्मी आलोचकों ने काजोल के शादी के फैसले को गलत ठहराया था। आलोचकों का कहना था कि शादी के बाद काजोल का फिल्मी करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। काजोल ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। शादी के बाद उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम ब्लॉकबस्टर हिट हुई। काजोल के दो बच्चे हैं, न्यासा देवगन और योग देवगन। अभिनेत्री काजोल 90 के दशक की बेहतर अभिनेत्रियों में एक है। फिल्मी जगत में वह काजोल के नाम से जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है।
काजोल अब तक के अपनी फिल्मी सफर में 6 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों, अभिनेत्री काजोल का फिल्मी बायोग्राफी का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।